जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सभी को अपने YouTube चैनल पर करता हूँ। दोस्तों कल हम लोग 6 क्वेश्चन तक टाइम एंड वर्क का कर लिए हैं, आज हम लोगों और साथ में 7 नंबर दिए थे, कमेंट में आंसर आया है बहुत बढ़िया, उस पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी तत्काल। अभी हम आपको बता रहे हैं कि जो अपडेटेड असाइनमेंट है ये वाला जो 2022-23 है, इसमें कुछ क्वेश्चन हम इंक्लूड किए हैं, उस क्वेश्चन को देखा जाए, इसको भी हम PDF में डाल देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे आप जाकर डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, उसमें टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या आप सर्च भी कर सकते हैं प्रतिज्ञा क्लासेस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए, एक इसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में ख़त्म करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला मामला है तो दिक्कत कर सकता है, इसलिए हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक किसी काम का 2/5 भाग, एक किसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बी उसी काम का 2/5 भाग, बी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कुल काम को कितना दिन में ख़त्म करेंगे। देखिए करना आपको ये है, पहले आप एक छोटा सा मामला को समझिए। अगर आप, मेरा नाम अमल है, और हम अगर किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, 1/2 भाग का मतलब क्या होता भैया? 1/2 भाग मतलब आधा, आधा काम 10 दिन में, तो बताइए हम पूरा काम कितना दिन में करेंगे? 20 दिन में। ऑब्वियसली एकदम सिंपल से सीखने वाली बात है, 1/2 भाग बोले तो आधा, आधा काम 10 दिन में, तो पूरा काम 20 दिन में, ठीक है। हम यहाँ से 20 दिन लाएंगे कैसे, पहले इस चीज़ को समझिए आप। करना कुछ नहीं, आप इससे इसको काट दीजिए, 1 से 10 को 10 बार में काटेंगे, और ऊपर वाला और नीचे वाला में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 20 दिन आ जाएगा, मामला ख़त्म, ठीक है। तो इसमें भी वही काम करना है, 2 से 4 को काटिए 2 बार में, 2 में 5 से गुना कीजिए यानी कि 10 दिन, 2 से 8 को काटिए 4 बार में, 4 में 5 से गुना कीजिए मतलब 20 दिन, क्या दिक्कत है आपको बताइए। यहां से आपको क्वेश्चन ही वहां तक पहुंच गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेंगे बताइए, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। अब आपको हम बताए हैं कि जब ऐसा टाइमिंग वर्क दिया है तो टोटल वर्क पहले निकाल लियो, टोटल वर्क 10-20 का LCM कितना होगा, 10-20 में बड़ा कौन, 20-20 10 से भी कटता है, 20-20 से भी कटता है, यानी LCM 20 हो गया, टोटल वर्क हमारा 20 यूनिट है, टोटल वर्क का मतलब कि 20 रसगुल्ला है, 10 दिन में कोई खाता है तो डेली कितना खाता होगा, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लीजिए, डेली 2 खाता होगा, 20 रसगुल्ला 20 दिन में खाता है तो डेली कितना खाता होगा, 1 खाता होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर कुल काम को कितना दिन में ख़त्म करेंगे, दोनों कौन, ए और बी, तो अगर दोनों मिलके काम को करेगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कुल काम को करेगा, कुल काम है कितना 20 यूनिट काम, दोनों मिल जाएगा तो ये 1 दिन में 2 करता है, ये 1 करता है, दोनों मिल जाएगा तो 2 + 1 कितना करेगा, 3 यूनिट पर डे काम करेगा, ठीक है। यूनिट से यूनिट को काट दो, 20/3 दिन हमारा आंसर हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कर दो भैया, 6 × 2/3 दिन आंसर होगा, 6 × 18, 18 + 2 यानी 20, नीचे वाला सेम टू सेम रह जाता है, 6 सही 2/3 दिन इसका सही आंसर हुआ। एक हम आपको और देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को, फिर आप एक कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6, वही सेम, तीनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, लगाइए क्वेश्चन नंबर 5 को। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन घुमाता है थोड़ा बहुत, आगे हम बताएंगे आपको कैसे घुमाता है, अभी नहीं, थोड़ा सा आप पहले बेसिक मामला को समझ जाइए, फिर हम आपको बताएंगे कैसे इस कॉन्सेप्ट पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, एक किसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में, एक किसी काम का 1/5 भाग, 1/5 भाग कितना दिन में, 6 दिन में, बी उसी काम का 3/4 भाग 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम का 3/4 भाग
20 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन ने बोला है दोनों मिलकर काम को कितना दिन में खत्म करेंगे, एक से छः को काटो, छः बार में छः पंजे कितना हो गया 30। 30 का मतलब क्या हुआ, एक कुल काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है वही बी। यहाँ 20 नहीं होगा भैया, 30 होगा, सॉरी यहाँ 30 होगा। 3 से 30 को काटो 10 बार में, 10 में 4 से गुना करो, यानी कि यह हमारा 40 दिन आ गया। तो बताइए ए काम को 30 दिन में, बी काम को 40 दिन में, कुल काम क्या है 30-40 का एलसीएम ले लो। देखो दोनों में बड़ा कौन है, एलसीएम निकालने का तरीका हम आपको कल बता चुके हैं पहला वीडियो में। 30-40 में बड़ा कौन, 40, 40-30 के टेबल में है, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि बड़ा वाला का दो गुना करके सोचेंगे, तो 40 दूनी 80, 80 भी 30 के टेबल में नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे कि बड़ा वाला का तीन गुना करके सोचेंगे, और तीन गुना करेंगे तो 40 या 120 30 के टेबल में 4 बार में आता है, और 120 40 के टेबल में 3 बार में आता है, यानी 120 हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, टोटल वर्क हमारा हो गया कितना भैया 120 यूनिट, मतलब हमारे पास टोटल 120 रसगुल्ला है खाने के लिए। और 120 रसगुल्ला अगर ये ए व्यक्ति 30 दिन में खाता है तो डेली कितना खाता होगा, डेली एक डेली ये व्यक्ति 4 रसगुल्ला खाता होगा, 30 हो गया 120, और ये 40 या 120 डेली 3 रसगुल्ला खाता हो। क्वेश्चन में बोला है कि ए प्लस बी मिलकर कुल काम बोले तो 120 यूनिट काम, ठीक है, कुल काम बोले तो 120 यूनिट काम कितना दिन में ख़त्म करेंगे, दोनों मिल जाएगा तो 4+3 एक दिन में 7 खाएगा, और 7 के हिसाब से 120 खाने में कितना दिन लगेगा, यूनिट से यूनिट काट दो 120/7 दिन आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कर दो भाई डिवाइड कर दो, 7 × 7 बच गया 5, 50 हुआ 7 × 7 49, 1 बचा 50, 17.1/7 दिन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से बनाइएगा, एकदम सेम टाइप क्वेश्चन है, बशर्ते इसमें दो आदमी ना हो के 3 आदमी है, कोई दिक्कत नहीं, दो है तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 है तो 3 का एलसीएम लेंगे, 4 है तो 4 का एलसीएम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, राम किसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में, लक्ष्मण इतना भाग सीता, राम लक्ष्मण सीता कितना बार, सुंदर क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है भाई, आप आराम से बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 8 नंबर क्वेश्चन हम कल करा चुके हैं आपको, आप यहां से 3 टाइप 9 नंबर भी सही है करा चुके हैं, 10 नंबर भी क्लियर है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कल का 7 नंबर जो क्वेश्चन था ना, जो छोड़े थे हम, वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके होगा, नहीं मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ए बी सी तथा डी, 4 व्यक्ति है क्वेश्चन में, ए बी सी तथा कौन डी, 4 व्यक्ति हैं, 10 15 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 10 दिन में पूरा कर सकता है, ये 15 दिन में पूरा कर सकता है, ये आपको 20 दिन में पूरा कर सकता है, और डी जो व्यक्ति है वो काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले तो मेरा काम बनता है कि टोटल वर्क को ही फाइंड कर लें, और टोटल वर्क 10 15 20 30 का एलसीएम होगा। चारों में बड़ा कौन है भैया, 30 है, 30 10 के टेबल में है, 15 के टेबल में है, पर 20 के टेबल में नहीं है, इसलिए इसका एलसीएम 30 नहीं होगा। और 30 × 2 = 60 के पास चलेंगे, 60 10 के टेबल में है, 15 के टेबल में भी है, 20 के टेबल में भी है, 30 के टेबल में भी है, यानी कि हमारा टोटल वर्क कितना हो गया भैया, 60 यूनिट हो गया। अब 60 यूनिट काम 10 दिन में करता है तो डेली कितना करता है, 6 करता है। 60 काम 15 दिन में करता है तो डेली कितना करता है, 4 करता है, 15 × 6 = 60। उसी प्रकार 20 × 3 = 60, 30 × 2 = 60। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि यदि काम को दुगुना कर दी जाए, देखिए अब थोड़ा बहुत छेड़खानी करने लगा क्वेश्चन के साथ, यदि काम को दुगुना कर दी जाए, काम पहले से आपके पास कितना है, 60 यूनिट है, अगर इसको हम दुगुना कर दे तो अब बताइए कि हमारे पास काम कितना हो जाएगा। तो सर आप कहेंगे कि क्वेश्चन में अब काम जो होगा वो 120 यूनिट हो जाएगा, तो इस स्थिति में चारों द्वारा कुल काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, अगर काम को दोगुना कर दिया जाए, मतलब काम हो गया 120 यूनिट। क्वेश्चन में बोला है कि चारों द्वारा, चारों बोले तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों मिलके 120 यूनिट काम, ठीक है, कितना काम, 120 यूनिट काम चारों मिल जाएगा, तो 6+4 = 10, 10+3 = 13, 13+2 = 15, 15 यूनिट
पर डे के हिसाब से अगर काम होगा तो यूनिट से यूनिट काट दो, 15 × 8 = 120, यानी कि 8 दिन में संपूर्ण काम समाप्त हो जाएगा, संपूर्ण काम समाप्त हो जाएगा, मामला खत्म है। कुछ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, काम को 2 गुना करे 3 गुना करे 4 गुना करे कोई दिक्कत नहीं, जितना से गुना करेगा काम में उतना से गुना कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पी क्यू आर तथा एस किसी काम को 7 × 1/7, 8 × 1/3, 33 × 1/3 तथा 66 × 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि काम को 40% बढ़ा दी जाए, देखिए इस बार परसेंटेज में काम को बढ़ाया है, एवं प्रारंभ से ही पी अपनी क्षमता को 25% कर दे, क्यू अपनी क्षमता को 50% कर दे, आर अपनी क्षमता को 200% कर दे एवं एस अपनी क्षमता को 2 गुना कर दे, तो चारों मिलकर काम को कितना दिन में ख़त्म करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको इस पे बता देते हैं और एक क्वेश्चन इस पे दे देंगे। देखिए क्वेश्चन बड़ा है देखने में पर भारी नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से इजीली बहुत कम समय में कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप एक बार, हम तो कहेंगे कि पहले वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार आप अपने से क्वेश्चन को बना के देखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है नहीं, देखिए हम आपको बना के दिखा देते हैं। पी क्यू आर एस चार व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस चार व्यक्ति है। पहला व्यक्ति जो पी है वो काम को 7 × 1/7 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। दूसरा जो व्यक्ति है 8 × 1/3 दिन में पूरा कर सकता है। तीसरा जो व्यक्ति है 33 × 1/3 दिन में पूरा कर सकता है। और जो चौथा व्यक्ति एस है वो काम को 66 × 2/3 दिन में पूरा कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। आप पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 7 × 7 = 49 और 1 = 50/7 दिन इसको लिखो, 8 × 3 = 24 और 1 = 25/3 दिन इसको लिखा जाए, 33 × 99 और 1 = 100/3 इसको लिखा जाए, और 66 दिया होता है 198 पर 2 ऐड करेंगे 200/3 days। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि जब टाइमिंग वर्क आपके पास है तो सबसे पहले आप टोटल वर्क को निकाल लो, मेरा पहला काम यही है कि टोटल वर्क को निकाल लें। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई, जब फ्रैक्शन का मामला आए तो कल ही हम आपको बताए हैं। देखिए जो लोग वीडियो पहला नहीं देखा है ना और डायरेक्ट ये दूसरा वीडियो देख रहा है, सबसे पहले मेरा बात मानिए, आप पहला वीडियो को देखिए तब इसको देखिए, वो आपको अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको ये वीडियो देखने में काफ़ी आसानी होगी। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। देखिए इसमें करना क्या होता है कि नीचे वाला से अभी फिलहाल मतलब नहीं है एलसीएम लेने समय, केवल आप ऊपर वाला का ही एलसीएम ले लो भाई। तो 50, 25, 100, 200 का एलसीएम निकालना है, चारों में बड़ा कौन है 200। अगर चारों में बड़ा 200 है तो आपको चेक करना है कि 50 के टेबल में 200 आता है क्या, बिल्कुल आता है। 25 के टेबल में आता है क्या, बिल्कुल 8 बार में 25 × 8 = 200 होता है। 100 में तो 200 आता ही है, 200 में 200 आता ही है, यानी कि हमारा जो टोटल वर्क हुआ ना वो इस क्वेश्चन का 200 यूनिट हो गया, ठीक है। अगर एफिशिएंसी की बात की जाए, क्षमता, तो हम आपको क्षमता के बारे में बताए हैं, 50 से 200 को काटो 4 बार में 4 में 7 से गुना करो 28, 25 से 8 बार में 200 8 में 3 से गुना करो 8 × 3 = 24, 100 में 2 से 200 को कटेगा 2 में 3 से गुना करो 6, 200 से 200 एक बार में कटेगा 1 में 3 से गुना करो 3। ये आ गया हमारा इन चारों लोगों का क्षमता। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, यदि काम को 40% बढ़ा दी जाए, ये काम अपने आप में पहले से कितना परसेंट है आप हमको बताइए। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% श्योरली रहता है, और 40% अगर इसको बढ़ा दिया जाए मतलब इसको करना है 140%, 200 का आप डायरेक्ट 140% निकाल लो, 140/100, 000 खत्म हो गया, मतलब कि काम 140 × 2 बोले तो 280 यूनिट हमारा टोटल काम हो गया। काम कितना हो गया 280 यूनिट। और देखिए क्षमता को क्या किया, पी अपनी क्षमता को 25% कर दे, 25% बोले तो 1/4 = 28 कितना होता है 7, क्यू अपनी क्षमता को 50% कर दे, 50% बोले तो आधा, तो 24 का आधा कितना होता है 12, आर अपनी क्षमता को 200% कर दे, देखो 100% मतलब सेम, 200% मतलब 2 गुना, तो 6 ना करके कितना कर दिया 12 कर दिया,
और एस अपनी क्षमता को दो गुना कर दे, सीधा सीधा बोला है तीन का दो गुना होता है छः, यानी कि अब क्षमता ये ना रह के इन लोगों का क्षमता ये हो गया। क्वेश्चन में बोला है कि इस स्थिति में कुल काम समाप्त करने में चारों मिलकर कितना समय लेंगे, तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस चारों मिलकर, अब कुल काम कितना हो गया है 280 यूनिट, कितना है भैया 280 यूनिट। अगर इस क्षमता से अगर काम को करानी है तो 12 12 24 36 7 37 यूनिट पर डे के हिसाब से काम होगा, यूनिट से यूनिट को काट दो, 280 बटा 37 दिन हमारा आंसर हो गया। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 40 सात 280, सात बार में इसको ले जाइए, सात बार में 37 सात हो गए, सात सात 49, 9 4 7 21 4 25 259, 280 में से 259 घटाएंगे, 60 20 80 21 बचेगा, 7 सही 21 बटा 37 दिन में ये हमारा कुल काम इस स्थिति में भी समाप्त हो जाएगा। करना कुछ नहीं था, 200 यूनिट काम था, ये अपने आप में 100% है, 40% बढ़ाना है तो 100 + 40 = 140%, 140% का मतलब होता है बटा में 100, इसलिए परसेंट हटाकर हम बटा में 100 डाल दिए हैं, 00 से 00 काट दिए, 140 दूनी 280 यूनिट हमारा अब काम हो गया। क्वेश्चन में बोला था कि पी अपनी क्षमता को एक चौथाई कहो चाहे 25% कहो, दोनों मामला समान है, तो एक चौथाई बोले तो 28 का एक चौथाई कितना होता है आप देख लीजिए यहाँ पे, 28 का काम ने गुना एक चौथाई बोले तो 1/4 भाग, 4 से 28 काट दो कितना बार में, 7 बार में, 28 का 1/4 भाग कितना होता है 7 होता है, देखिए हम 7 लिख दिए। क्वेश्चन में बोला है कि क्यों अपनी क्षमता को 50% कर दे, 50% बोले तो आधा, आधा बोले तो 24 का आधा 12। क्वेश्चन में बोला है कि आर अपनी क्षमता को 200% कर दे, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 200% करना मतलब दुगुना कर देना, तो 6 का दुगुना हो गया 12। और एस के बारे में सीधे सीधे बोला है कि क्यू आर एस अपनी क्षमता को दुगुना कर दे, तो 3 का दुगुना कर दिए 6। अब इन चारों को जोड़े तो 12 12 24 36 और 7 37 के हिसाब से काम कराना है, कितना 280 मतलब 280 बटा 37 दिन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर हम एक 13 लगा दिए हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप अपने से कर लीजिएगा, और हमारा नॉर्मल जो भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है सारा आज समाप्त हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि बाद पर आधारित प्रश्न, ये हमारा दूसरा टाइप होगा, क्वेश्चन नंबर 14 से हम कल शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कम से कम 5 दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन होगा नया वीडियो का आप तक सबसे जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।